ये इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स हैं। ये ऊपर फीमेल है और नीचे मेल। इनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इस तरह है कि किंगडम एलमिलिया और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। क्लास इसकी इंसेक्ट है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, फैमिली पेरिडाई है। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स जिसमें कैबेज बटरफ्लाई है। टेक्निकल नेम या साइंटिफिक नेम पेरियस ब्रैसिका, किंगडम एनमिलिया और फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्ट ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। हमारे हाथ को फील होता है तो वो जितने भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं उनकी जो ऑर्डर होता है ना वो उनको हम लेपिडोप्टेरा में शुमार करते हैं। आइए अब चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। लार्ज बॉडी, ब्लैकिश विंग, येलोइश वाइट विद ए ब्लैक पैच ऑन एपिकल एंगल ऑफ ईच फोर विंग्स। ये देखें दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लार्ज बॉडी ब्लैकिश विंग होंगे, येलिश वाइट विद ए ब्लैक पैच ऑन एपिकल एंगल ऑफ ईच फोर विंग। दोनों फोर विंग के ऊपर एपिकल एंगल पर आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे, पैच नज़र आएंगे ब्लैक कलर के। फीमेल बेयर्स टू ब्लैक स्पॉट्स ऑन द अपर साइड ऑफ ईच फोर विंग। जो इसकी फीमेल होगी उसके विंग्स के अपर साइड पर आपको दो स्पॉट्स नज़र आएंगे, ये जबकि ये आपको मेल की पिक दिखाई दे रही है। फीमेल बेयर टू ब्लैक स्पॉट्स ऑन द अपर साइड ऑफ ईच फोर विंग। लार्वा आर पेल येलो आर ग्रीनिश येलो। लार्वा आर पेल येलो आर ग्रीनिश येलो। जो लार्वा होगा वो पेल येलो होगा और ग्रीनिश येलो होगा। अब इसके आते हैं लाइफ साइकिल की तरफ। फीमेल लेज लाइफ साइकिल, फीमेल लेज एग्स इन क्लस्टर्स ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स। जो फीमेल होती है वो गुच्छे की सूरत में, क्लस्टर्स की सूरत में लीव्स के नीचे अंडे देती है। द एग्स हैच इन टू वीक्स। जो इसके अंडे हैं वो हैच होते हैं, यानी कि इनमें से जब लार्वा निकलता है तो वो टू वीक के अंदर होता है, टू वीक्स। लार्ज पीरियड सॉरी लार्वा पीरियड लास्ट फॉर थ्री वीक्स एंड प्यूपा पीरियड इज़ फॉर टू वीक्स। द इंसेक्ट पेस्ट लिव्स इन द इन हिल्स ड्यूरिंग समर एंड इन प्लेन्स ड्यूरिंग विंटर्स। दोस्तों हमने इसका लाइफ साइकिल देखा, अब आते हैं इसके डैमेज की तरफ, इसका नुकसान क्या है। आपको पता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो लीव्स के नीचे एग्स देती हैं और उनका जो हैचिंग पीरियड्स है वो टू वीक है, और जो लार्ज लार्वा का पीरियड्स है वो एटलीस्ट तीन वीक है, थ्री वीक्स है। प्यूपा पीरियड इज़ फॉर टू वीक, और जो प्यूपा स्टेज के होते हैं उसमें टू वीक, और इसके बाद ये एडल्ट हो जाती हैं। ये हिल्स में और हिल्स में रहते हैं, समर सीज़न में हिल्स में रहते हैं, एंड इन प्लेन्स ड्यूरिंग और प्लेन्स जिन्हें हम चट्टाने भी कह सकते हैं ड्यूरिंग विंटर्स के दौरान। अब इसके आते हैं डैमेज की तरफ। द लार्वा फीड, लार्वा खाता है एंड डैमेज द लीव्स बाय मेकिंग बिग होल्स इन दम एंड हिंस रिड्यूस्ड द फोटोसिंथेटिक एरिया ऑफ द प्लांट। जो इनके लार्वा हैं ना वो कैबेज के लीव्स खा जाते हैं, उनको फीड करते हैं, डैमेज करते हैं और बड़े बड़े होल कर देते हैं, और जैसे ही होल हो जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ना वो बहुत, फोटोसिंथेटिक एरिया बहुत कम हो जाता है और पौधा अपनी खुराक ठीक से नहीं बना पाता, और वो डिजीज़ की तरफ और वो अपने लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी कम्प्लीट करने की तरफ वो पौधा चला जाता है, जिससे जो हमारा फ्रूट है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाता। अब आते हैं इसके इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ कैबेज बटरफ्लाई इज़ टू लार्वा पर प्लांट। अगर आपको कैबेज के पौधे पर दो लार्वा एक ही पौधे पर नज़र आ जाएं तो आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे या आर्टिफिशियल कोई मेथड आपने अपनाना है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इसके कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन एंड डिस्ट्रिक्शन ऑफ एग क्लस्टर्स एंड लार्वा। जो उनके एग्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में कहीं भी हों तो उनको हमने डिस्ट्रक्ट करना है, डिस्ट्रक्शन करनी है ऑफ एग्स क्लस्टर्स एंड लार्वास। सेकंड हैं कैच अडल्ट बाय हैंड नेट्स, और जो उनके अडल्ट होते होंगे इस तरह के, ये अडल्ट हैं हमारे पास, इनको ना हमने हैंड नेट के ज़रिए कैच भी कर सकते हैं, सकते हैं स्प्रे लोफिरोन 50 EC 200 ml पर एकड़, और आप कोई भी स्प्रे इनमें से कर सकते हैं, लेकिन मैं दो रेकमेंडेड करूंगा, और सेकंड में करूंगा कि आपने साइपर मैथ्रीन 50 EC 900 ml पर एकड़ आपने हैं करनी है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, कैबेज बटरफ्लाई जो कि इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स है। इंशाल्लाह फिर हम आपको नेक्स्ट पेस्ट की तरफ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि
इंसेक्ट पेस्ट और वेजिटेबल्स और कौन से हैं। वैसे इंट्रोडक्शन के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि पहला जो हमारा पेस्ट है वेजिटेबल्स का वो कैबेज बटरफ्लाई है जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद रेड पम्पकिन बटरफ्लाई इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद आते हैं हडल बीटल्स ये हैं, इनके आप पिक देख सकते हैं। फिर इसकी तरफ आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं, ये है ब्रिंजल फ्रूट बोरर की लाइफ साइकल्स, इसका डैमेज और इसके कंट्रोल के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। फिर इसके बाद आ जाते हैं ब्रिंजल्स स्टेम बोरर इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फ्रूट पढ़ाएंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें आल पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारा जो आपको नॉलेज आपके साथ शेयर किया जा रहा है इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जस्ट आप गौर और कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट आपकी लाइफ सुधार सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।